हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसकेट काउंट क्लासेस। तो आज हम नया क्वेश्चन लेके चलेंगे जनरल एंट्री विद जीएसटी का। और इस चैनल पे हमें जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 जनरल एंट्री विद जीएसटी का। आज हमारा पहला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 को। अप्रैल फूल वाले डे हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है। तो देखिए, पहले ये जनरल एंट्री किसकी है? गुप्ता स्टोर, मतलब ये गुप्ता जी की जनरल एंट्री बनेगी हमारी दिल्ली में जो रहते हैं। जीएसटी हमारा लग रहा है 18%, इसका मतलब क्या हो गया? आईजीएसटी 18% चार्ज होगा और 99% होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो पहला देखते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम एमएस कृष्णा ट्रेडर्स दिल्ली एट द रेट 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज कर रहे हैं, परचेज की सिंपल सी एंट्री कर लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, देखिए यहाँ पे जीएसटी कौन सा लगेगा? दिल्ली के अंदर है, इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किनसे ले रहे हैं हम? कृष्णा ट्रेडर से। गुड्स कितने का होगा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 20% तो 16,000 आएगा। 16,000 माइनस कर देंगे तो 64,000 पे हमारा 99% चार्ज करेंगे डिस्काउंट जीएसटी, कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 5760। 64,000 को 9 से इंटू करके 100 से डिवाइड करेंगे, 5760 आएगा, 5760। तो यहां मेन कॉलम में आ गया 714 एंड 75,520। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अप्रैल 3, परचेज गुड्स फ्रॉम एमएस गोयल एंड सन्स बॉम्बे एट ट्रेड डिस्काउंट 25%, 8,000 का। 80,000 का हमारा गुड्स हो गया, 25% ट्रेड डिस्काउंट। और गुड्स हम कहां से खरीद रहे हैं? बॉम्बे। अब दिल्ली के अंदर तो बॉम्बे आता नहीं है, दूर है, तो हमारा क्या है, आईजीएसटी चार्ज करेंगे, स्टेट के बाहर है, इसलिए एंट्री तो वही रहेगी, बस जीएसटी चेंज हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, यहां पर लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किनसे ले रहे हैं? गोयल एंड सन्स। गुड्स कितने का हो गया? 25% ऑफ 80,000 कितना होता है? 20,000 हो गया। 20,000 माइनस करके लिखेंगे, 60,000 आ गया। 60,000 में चार्ज करेंगे 18% जीएसटी, तो कितना आ जाएगा हमारा? 1,080 मेन कॉलम में, 61,080। नेक्स्ट अप्रैल 5, सोल गुड्स टू एमएस मोना स्टोर्स दिल्ली 10% ट्रेड डिस्काउंट एट 50,000 गुड्स। 50,000 का हमने गुड्स सोल्ड किया, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10%। और यहाँ पे देखिए, स्पेसिफिक केस हमारा ये है कि दिल्ली के अंदर ही हम अपना गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ सेल की एंट्री कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? एमएस मोना स्टोर डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो यहां पर देखिए कैसे चार्ज होगा। दिल्ली में हम अगर गुड सोल्ड करें, 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे तो 45,000 हो गया, 5,000 हमारे ट्रेड डिस्काउंट में माइनस हो गया। तो 45,000 का 99% जीएसटी लगा दें, गुड्स के सामने लिखेंगे अमाउंट सेल है 45,000 यहां पे, तो उसके ऊपर 99% जीएसटी लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 4,050। ये अमाउंट आ गया जीएसटी 99% चार्ज करने के बाद। मेन कॉलम में लिख देते हैं कितना आ गया, 53,100 रुपीज मेन कॉलम में। ठीक है, अब देखते हैं अप्रैल 7, पेड सैलरी 20,000। यहां पर देखिए, जब सैलरी पे करते हैं, लीगल फी पेड करते हैं या फिर अपना
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो वहां पर देखिए स्पेसिफिक केस हमारा ये लगता है कि यहाँ पे हम जीएसटी चार्ज नहीं करते, हम डायरेक्ट सैलरी पे करेंगे, नो जीएसटी। सैलरी एक्सपेंस है डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का है 20,000, तो 20,000 से यहाँ पे एंट्री कर देंगे 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट इज अप्रैल 9, बॉर गुड्स फ्रॉम एमएस अमित एंड सन्स दिल्ली। दिल्ली में ही हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो इनपुट आईजीएसटी नहीं लगेगा, इनपुट सी जीएसटी एंड एसजीएसटी ही चार्ज होगा। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू किन से खरीद रहे हैं, अमित एंड सन्स, अमित एंड सन्स लिख देंगे। तो गुड्स कितने का है 30,000, 99% जीएसटी चार्ज करेंगे, कितना आ जाएगा 2,700, 2,700। तो मेन कॉलम में कितना गया 35,400। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 11, सोल्ड गुड्स टू एमएस रमा स्टोर कानपुर 40,000। यहां देखिए हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, बट यहां पर जो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो अदर स्टेट में कर रहे हैं, कानपुर में, तो यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज करेंगे। तो कौन खरीद रहा है गुड्स हमसे, एमएस रमा स्टोर, डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। गुड्स कितने का है 40,000, 40,000 का 18%, 7,200। मेन कॉलम में 47,200, 47,200। नेक्स्ट अप्रैल 15, पेड टेलीफोन एक्सपेंस इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। ये वाले ट्रांजेक्शन हम कई बार देख चुके हैं, कैसे हमें 3,540 को डिस्ट्रीब्यूट करना है जीएसटी के साथ। तो यहां पे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फिर क्या आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या लिख देंगे कैश अकाउंट। तो हमारा टेलीफोन बिल कितने का हो गया 3,000, 270 का हो गया हमारा जीएसटी दोनों, और मेन कॉलम में 3,540। देखिए 99% जीएसटी चार्ज करना है, 9 × 3,000 / 100 करके करते हैं तो 270 आता है, 270 हो गया हमारा जीएसटी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए काफी इजीली। नेक्स्ट अप्रैल 17, बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। गुड्स खरीदेंगे और उसके बदले हम चेक देंगे, ना कि ये सब। देखिए जितने एंट्रीज हम यहाँ पे किए हैं सारे के सारे सेल किए हो या परचेज किए हो, यहाँ कैश का नाम नहीं आया, मतलब ये क्या है, हमारे क्रेडिट सेल है या फिर क्रेडिट परचेज है, कैश का नाम नहीं आया था। और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट दिखेंगे, चेक मिल रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया चेक बैंक अकाउंट। गुड्स था हमारा 40,000 का, जीएसटी चार्ज करेंगे 99%, तो 3,600, 3,600। फिर मेन कॉलम में गया 47,200। नेक्स्ट इज अप्रैल 20, गुड्स लॉस्ट बाय फायर विच वॉज बॉट फ्रॉम अमित एंड सन्स। तो अमित एंड सन्स से हमने गुड्स खरीदा था, वो जल के खराब हो चुका है। देखिए अमित एंड सन्स से जब हमने गुड्स लिया था उसपे कोई भी ट्रेड डिस्काउंट चार्ज नहीं किया गया था, इसलिए हम इस गुड्स पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं चार्ज करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया होता उस पर, या हमने अमित से जो गुड्स खरीदा उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ 10%, 20%, एनी अमाउंट,
तो उस पर हम वो चार्ज करते हैं उतना डेप्रिस अपना माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके बाद लॉस बाय फायर पे हम एंट्री करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो लॉस बाय फायर हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, लॉस हो रहा है हमारा, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट एक्सपेंस नहीं, एक तरह से हमारा लॉस हो गया तो डेबिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, टू जीएसटी लगा देंगे, इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो गुड्स कितने का है, 10,000, 10,000 का 99% जीएसटी लगाएंगे, कितना आ जाएगा 900, 900, मेन कॉलम में 11,000 एंड 800, सिंपल सी एंट्री हो गई। अप्रैल 22 लॉयल फी पेड, सबसे इजी एंट्री, इस पे तो चार्ज ही नहीं होता हमारा जीएसटी, तो डायरेक्ट एंट्री कर देंगे। लॉयर फी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डायरेक्ट इसका तो लिख देंगे 5,000 एंड 5,000, खत्म। अप्रैल 25 सोल गुड्स टू राम अगेंस्ट चेक एंड डिपॉजिट इन टू बैंक 30,000। यहां देखिए डेट नहीं दिया है कि किस डेट पे हमारा चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो डेट से मतलब नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्ट लिखेंगे। तो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हम लिखेंगे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट SGST अकाउंट, यहां पे भी अकाउंट लगा देंगे, हो गया। गुड्स कितने का है, 30,000, 30,000 का 99% अगर चार्ज करते हैं कितना आ जाएगा 2,700, तो यहां पे आ गया 35,400 डेप्रिसिएशन जीएसटी। अप्रैल 27 बॉट कंप्यूटर एंड प्रिंटर एंड पेड बाय चेक 40,000। यहां पे देखिए हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो इस पे भी जीएसटी चार्ज होती है हमारी। कंप्यूटर एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू टू नहीं पहले जीएसटी चार्ज करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, अब लिखेंगे बाई चेक हो रहा है तो बैंक अकाउंट। गुड्स कितने का है, 40,000, डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 3,600, 3,600 मेन कॉलम में 47,200। बचे हुए ट्रांजेक्शन देख लेते हैं जो हमारे और जो बचे हुए हैं। अप्रैल 29 सोल गुड्स टू MS मोहन लाल एंड सन्स अंबाला। देखिए हम दिल्ली में कर रहे हैं अपना जनरल एंट्री और गुड्स कहां सोल्ड कर दी, अंबाला, यहां क्या लगेगा आउटपुट IGST, तो किसको मिल रहा है MS मोहन लाल एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। तो यहां पर देखिए गुड्स जो है हमारा 50,000 यहां हो गया, 18% ऑफ 5,000, 50,000 कितना हो गया 9,000 मेन कॉलम में 59,000, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अप्रैल 30 सोल गुड्स टू MS कृष्णा स्टोर दिल्ली। अब यहां पर देखिए क्या था, बाहर हम सेल कर रहे थे, यहां पर क्या है अपने स्टेट के अंदर सेल कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ जीएसटी कौन सा लगेगा, IGST नहीं लगेगा, CGST और SGST लगना है, ठीक है। तो यहां पे MS कृष्णा स्टोर डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट,
तो यहाँ पे सेल की है 40,000 का, जीएसटी चार्ज करेंगे 99%, कितना हो गया 3,600, 3,600 मेन कॉलम में, 47,200। ठीक है लास्ट वाली देखते हैं, ये भी हुई है अप्रैल 30 को ही। सोल्ड गुड्स टू गोपाल अगेंस्ट चेक विच वॉज लॉग टू बैंक। लॉग मतलब वही जैसे आप डिपॉजिट करते हैं अपना चेक बैंक में, वही चीज है, बस चेक डिपॉजिट करेंगे, गुड्स सोल्ड की है एंट्री कर देंगे, डेट नहीं दिया है तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डेबिट लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल किए हैं 50,000 का, जीएसटी चार्ज करेंगे 99%, कितना हो जाएगा 4,500, 4,500 मेन कॉलम में, 5,900। यहां पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और एक और बात देखिए, यहां पर जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन हुए सारे के सारे जनरल एंट्री में, हम एक बार सब में जनरल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे, नरेशन हर एक क्वेश्चन में रहेगा। और एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं दिया है कि हाँ अंबाला हो गया या आपका बॉम्बे हो गया, अगर नहीं लिखा है कुछ भी, तो कोई जरूरत नहीं आपको सोचने की कि हम कौन सा जीएसटी चार्ज करें। सिंपल, आप आईजीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ही चार्ज करेंगे, आईजीएसटी नहीं चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जरूर से बताएं।